आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के इस प्लेटफॉर्म ज्ञान सुधा सक्सेस साथी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं जैम केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज रिएक्शन मैकेनिज्म से संबंधित। इससे पहले कि हम पहला क्वेश्चन करें, याद कर लेते हैं फिबॉर्ड्स की रीअरेंजमेंट को, जो कि साइक्लोप्रोपेनोन्स या अल्फा हेलोकीटोन के रीअरेंजमेंट होते हैं और इनसे कार्बोक्सिलिक एसिड के व्युत्पन्न या कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया में इनोलेट आयन फॉर्मेशन होता है और अगर साइक्लिक अल्फा हेलोकीटोन हम लेते हैं तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी वलय संकुचन होता है, रिंग साइज जो है वो घट जाता है। जैसा कि हम इस एग्जांपल में देख रहे हैं, ये 6 मेंबर रिंग है और ये अल्फा हेलो कीटोन है और बेस की उपस्थिति में रिएक्शन हुई है, इनोलेट आयन बना है। उसके बाद ये इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ है इस कार्बन पर और ये Cl- निकल कर गया है। 3 मेंबर्ड रिंग बना है कीटोन का, यानी साइक्लोप्रोपेनोन बना है। बेस के दोबारा आक्रमण के द्वारा ये रिंग खुला है और आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये 6 मेंबर्ड रिंग था और यहाँ पर दो रिंग्स हैं, एक 3 मेंबर्ड रिंग है और एक 5 मेंबर्ड रिंग है, ऊपर वाला रिंग खुल गया है, तो जिससे हमें 5 मेंबर्ड रिंग 5 सदस्य वाले मिला है और जिसपे जिसका फिर प्रोटोनेशन होता है, तो इस प्रकार से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट उत्पाद मिलता है। लेकिन जो वलय का साइज़ है, रिंग का साइज़ है, वो यहाँ 6 मेंबर्ड था और यहाँ 5 मेंबर्ड है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आइए करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो ये रिएक्शन हमें दी हुई है और यहाँ ये लेबल्ड, आइसोटोपिकली लेबल्ड कार्बन एटम है, ये बेस दिया हुआ है, इथेनॉल दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। जैसे ही हम अल्फा हेलो कीटोन को देखते हैं और बेस के प्रेजेंस में और प्रोटोन डोनर के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को हम देख रहे हैं, तो उसका मतलब है कि ये फिबॉर्ड्स की रीअरेंजमेंट होगा और 6 मेंबर्ड रिंग से 5 मेंबर्ड रिंग प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। हम अगर हमें यहाँ पर इन ऑप्शंस को देखें तो ये 6 मेंबर्ड रिंग है, प्रोडक्ट है, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। जो बचता है वो है ए, सी और डी, इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चुन लेना है। तो आइए देखते हैं कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता है, हो सकता है। इस वाले जो प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं जो लेबल्ड, आइसोटोपिकली लेबल्ड कार्बन है, जो कि ये वाला कार्बन था, उस पर सी डबल बॉन्ड ओ है, जबकि फिबॉर्ड्स के रीअरेंजमेंट में सी डबल बॉन्ड ओ का जो फंक्शन है वो कहीं माइग्रेट नहीं होता, उसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आइसोटोपिकली जो लेबल्ड कार्बन है उस पर सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनाइल फंक्शन है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, उसका मतलब हमारा ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो आइए देख लेते हैं कि ये सही आंसर किस तरह से रिएक्शन मैकेनिज्म के द्वारा हम समझ सकते हैं। लेकिन जब हम एग्जामिनेशन में बैठे हों उस वक्त इस तरह से पूरा रिएक्शन लिख के देखने की ज़रूरत हमें नहीं है, ये हमारे प्रिपरेशन के लिए, एग्ज़ाम के लिए जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सारी बातें हमें ध्यान में होनी चाहिए और क्योंकि हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं इसलिए हमें जानकारी होना ज़रूरी है। सो लेट अस सी, अल्फा हेलो कीटोन को हमने लिया और ये बेस के वजह जो है, जो अल्फा हाइड्रोजन ये वाला है वो एसिडिक हाइड्रोजन है या अम्लीय हाइड्रोजन है, तो एसिडिक हाइड्रोजन का बेस के द्वारा आसानी से निष्कासन हो सकता है। ये हाइड्रोजन जो है H प्लस के रूप में आराम से एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है ये बेस और आप देख सकते हैं कि H प्लस इसमें से निकल गया, जिसकी वजह से इनोलेट आयन बना है। ये कार्बोनाइल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है उसके साथ वाले कार्बन अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ इंटरनल SN रिएक्शन हुआ है और कंसर्टेड रिएक्शन SN2 रिएक्शन है ये, और इंटरनल है और आप देख सकते हैं कि इसकी वजह से ये रिंग क्लोजर हो जाता है और साथ ही Cl- यहाँ से निकल गया, हमको ये न्यूट्रल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिला है। ये और सभी बातों में सिमेट्रिक है, सिर्फ एक बात में ये एसिमेट्रिक है, वो कि ये लेबल्ड कार्बन है, आइसोटोपिकली लेबल्ड, और ये लेबल्ड कार्बन नहीं है।
ऐसी स्थिति में जो इथॉक्साइड आयन है इस कार्बोनाइल कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, तो इन दो प्रकार से कर सकता है, या तो इस साइड से करे जब तो फिर ये वाला पाथवे होगा, या फिर वो इस साइड से करे जैसा कि आप देख रहे हैं इस साइड से, या इस साइड से, इस साइड से करे तो ये पाथवे होगा। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों पाथवेज में अलग अलग प्रकार से प्रोडक्ट्स बनते हैं। अलग अलग प्रकार से का मतलब ये है कि जो आइसोटोपिकली लेबल्ड कार्बन है वो अलग अलग पोजिशन पे होगा। तो यहाँ देखिए कि अगर यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक अटैक है तो ये ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड बना है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ है, तो ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ माइनस चार्ज आया है, और इथॉक्साइड जो ग्रुप है वो इस साइड जुड़ा है, जबकि जब इधर से आक्रमण हुआ है इथॉक्साइड आयन का तो आप देख सकते हैं इधर इथॉक्साइड ग्रुप है और यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो अगर आप ऊपर और नीचे इन दोनों को कंपेयर करें तो इनका सिर्फ जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से अलग है इन ग्रुप्स का, बाकी सब कुछ सेम है। डायरेक्शन अलग क्यों है? डायरेक्शन अलग जो आइसोटोपिकली लेबल्ड कार्बन है उसके अनुसार इन दोनों का डायरेक्शन अलग है, दोनों ही टेट्राहेड्रल कार्बन है और कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद जब ये सी डबल बॉन्ड ओ बनेगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करेंगे वापस, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा इस पाथवे में, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा इस पाथवे में। ये दोनों बॉन्ड जो सी कार्बन जो लेबल्ड है, आइसोटोपिकली लेबल्ड कार्बन है, उनके कंपैरिजन में ये अलग अलग दिशाओं से टूट रहा है। यहाँ जो आइसोटोपिकली लेबल्ड कार्बन है वो वाला बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ जो लेबल्ड नहीं है उस कार्बन का बॉन्ड टूट रहा है, जिसकी वजह से ये जो लेबल्ड कार्बन है एक बार उस कार्बन से जुड़ा होगा जिससे उस कार्बन पर होगा जिससे कार्बोनिल कार्बन जो जुड़ा हुआ है, और दूसरी बार ये जो कार्बोनिल कार्बन है ये कार्बोनिल कार्बन है उस कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है जो कि आइसोटोपिकली लेबल्ड है। तो ये दो ऑप्शंस बने हैं इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर आइसोटोपिकली लेबल्ड कार्बन एटम को यूज़ किया गया था सबस्ट्रेट में फेवरोस्की रीअरेंजमेंट के द्वारा। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन एंड क्वाइट इजी। इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करें, याद कर लेते हैं इस रीअरेंजमेंट को, सियामिसियन डेंसिटेड रीअरेंजमेंट, जो कि जो पेरोल है उस पर कार्बीन का आक्रमण होने पर रिंग एक्सपेंशन होता है और पिरिडीन का हमें डेरिवेटिव उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो ये रिएक्शन हमको दिया हुआ है, हम देखते ही पता कर सकते हैं कि ये कार्बीन का फॉर्मेशन इसमें होगा और रीअरेंजमेंट होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, हैलोजन आके पोजीशन पे लगेगा इस पोजीशन पे, तो आंसर अपना ये है क्योंकि डायरेक्ट एप्लीकेशन है डेंसिटेड सीएमएसएन डेंसिटेड रीअरेंजमेंट का, ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है। तो ऑप्शन इज आंसर सी। आइए इसको देख लेते हैं किस प्रकार से होता है। सबसे पहले तो कार्बीन फॉर्मेशन होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं क्लोरोफॉर्म हमें दिया हुआ था, बेस हमारे पास था मीडियम में, बेस जो है इस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन पर चले गए, तो सी माइनस यहाँ पर हो गया, और फिर उसके बाद क्लोरो ग्रुप अपने जो इलेक्ट्रॉन्स को, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर ये कार्बन आयन में से Cl- निकल के चला जाएगा, जिससे कि कार्बीन इंटरमीडिएट प्राप्त होगा। कार्बीन इंटरमीडिएट जो है इस डबल बॉन्ड के ऊपर एडिशन करेगा और इस डबल बॉन्ड के ऊपर आक्रमण करेगा और हमें ये इंटरमीडिएट मिलेगा। और आप देख सकते हैं इसके दो पाथवे हैं, एक जो सियामिसियन डेंसिटेड रीअरेंजमेंट है उसके दो पाथवेज हैं, एक तो या यहाँ से ये H2O के माध्यम से ये प्रोडक्ट मिले, और दूसरा है कि इस तरह से थ्री मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो और ये पिरिडीन का डेरिवेटिव, क्लोरो डेरिवेटिव हमको प्राप्त हो। तो हमें जो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ था वो इस पाथवे का था, सियामेसियन डेंसिटेड रीअरेंजमेंट का पाथवे था, एंड दैट वाज द करेक्ट आंसर। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं जैम और नेट दोनों में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें, याद कर लेते हैं एजा माइकल एडिशन को, जो कि 1,4 एडिशन, जिसको कॉन्जुगेट एडिशन भी कहते हैं, नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल का माइकल एक्सेप्टर में। तो ये है नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल और ये है माइकल एक्सेप्टर जिसपे कि एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और इस कार्बन पर चौथे एटम पर 1, 2, 3 एंड 4 चौथे एटम पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है नाइट्रोजन का लोन पेयर के द्वारा। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनता है ये वाला, जिस पर नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है और आप देख सकते हैं कि चार्जेस का दोबारा मूवमेंट हुआ और इस सेकेंड नंबर कार्बन पर यहाँ पर जो चार्ज मूव हो गया और नाइट्रोजन के ऊपर जो हाइड्रोजन था वह हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है और आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिलता है। ये अगर आप एक नज़र में देखें तो आप कहेंगे 1,2 एडिशन है, जबकि ये 1,2 एडिशन नहीं होता है। पहले एडिशन इंटरमीडिएट एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसमें H एक बार यहाँ जुड़ता है, फिर उसका शिफ्टिंग के द्वारा वो इस कार्बन पर आ जाता है। खैर, कुल मिलाकर ये जो माइकल एडिशन, ऐसा माइकल एडिशन है 1,4 एडिशन नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल का, वो इस प्रकार से होता है। एक बात और इसमें ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जितने हाइड्रोजन्स होंगे, देखिए यहाँ पर दो एल्काइल ग्रुप हैं और एक हाइड्रोजन है, लेकिन अगर एक और हाइड्रोजन होता तो वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता और जब तक सारे हाइड्रोजन नाइट्रोजन के ऊपर से एग्जॉस्ट नहीं हो जाते, फिनिश नहीं हो जाते, ये रिएक्शन हो जाता है। तो उसका मतलब है कि हमें इस बात का ध्यान में रखना है कि नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन कितने हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं एक और एग्जांपल है यहाँ 1,4 एडिशन या कॉन्जुगेट एडिशन का। यहाँ देखिए ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये माइकल एक्सेप्टर है और आप देख सकते हैं कि इस तरह से ठीक वैसा ही इनोलेट आयन इंटरमीडिएट बनने के साथ और प्रोटोनेशन होता है इनोलेट का, और जिससे कि हमको ये प्रोडक्ट मिलता है, ये ठीक वैसा ही है जैसे कि इससे पहले वाले स्लाइड में हमने देखा था। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेजर प्रोडक्ट वाई एंड जेड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। तो जैसे ये देखो, यहाँ पर NH2 है, एनिलीन है दिया हुआ हमको, और यहाँ पर दिया हुआ है हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर दिया हुआ है, जो कि एक माइकल एक्सेप्टर है। तो हमने अभी देखा था कि इस जितने हाइड्रोजन होंगे नाइट्रोजन के ऊपर, उतनी बार ये एक्सेप्ट एडिशन हो जाएगा इस एक्सेप्टर के साथ। तो पहला जो वाई है वो हम ढूंढते हैं इन चारों ऑप्शंस में से। तो पहले में देखिए, एक हाइड्रोजन का दिया हुआ, दिस इज़ एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, दिस इज़ रॉन्ग। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, दिस इज़ रॉन्ग। तो ये दोनों ऑप्शन हमने कैंसिल आउट कर दिए, बचा है हमारे पास बी एंड डी, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब आप देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारे पास रिएजेंट दिया हुआ है वो है इथॉक्साइड आयन, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस किया हुआ है NaOH एंड H3O प्लस, और उसके बाद दिया हुआ है हीट। हीट दिया हुआ है हमारे पास एस्टर है, और हमारे पास एस्टर के साथ उसका हाइड्रोलिसिस हुआ है, हाइड्रोलिसिस के बाद हीट है, उसका मतलब कहीं ना कहीं CO2 इसमें से निकल रहा है, और वो भी एस्टर के हाइड्रोलिसिस, यानी एस्टर जो है, एस्टर ग्रुपिंग जो यहाँ पर है या यहाँ पर है इस जगह पे और यहाँ पर आ गया है एडिशन के बाद, उसका हाइड्रोलिसिस होगा और वो COOH में कन्वर्ट होगा और फिर वहाँ से CO2 निकल जाएगा हीट से। तो ये बात हमें समझ में आ रही है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन इज़ कैंसल्ड आउट, जो सी ऑप्शन है वो भी कैंसल आउट है। तो हमारे पास ये दोनों ऑप्शन है, उसका मतलब ये है कि या तो 6-मेंबर ड्रिंक जो है पीरीडोन का बनेगा या फिर ये बनेगा, ये प्रोडक्ट, इन दोनों में से एक कोई प्रोडक्ट बनेगा। हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारे पास ये सबस्ट्रेट हैं, इसमें एक्टिव मिथिलीन हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन है, तो उसका मतलब इसमें एक्टिव हाइड्रोजन की वजह से रिंग फॉर्मेशन हो रही है। किसी भी हालत में 5-मेंबर रिंग नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए CH2 के बाद सी डबल बॉन्ड ओ है, जबकि दोनों ही साइड में आप देखें CH2 के बाद सी डबल बॉन्ड ओ है, तो उसका मतलब ये 5-मेंबर रिंग जो है वो कतई बन नहीं सकता। तो आइए देखते हैं कि इसका ऑप्शन क्या है। उसका मतलब हमने ये कैंसिल किया, ये
कैंसिल किया, हमने ये कैंसिल किया इन दोनों की वजह से और ये कैंसिल किया फाइव मेंबर की वजह से, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये किस प्रकार से हुआ, आइए इसको समझ लेते हैं। एग्जामिनेशन में हम इसी तरह से लॉजिकल डिडक्शन से फट से पहुँच सकते हैं आंसर तक, लेकिन क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। यहाँ एनिलीन से हम शुरू हुए थे और इसके ऊपर एडिशन हुआ है, न्यूक्लियोफाइल की तरह इसने काम किया है और माइकल एक्सेप्टर के ऊपर ये पहला एडिशन हुआ जिसका मैकेनिज्म हम समझ चुके हैं। ये देखिए हाइड्रोजन यहाँ से चला गया है और ये डबल बॉन्ड हट गया है और ये पहला मॉइटी जुड़ा है। फिर इसके पास एक और हाइड्रोजन क्योंकि बचा हुआ है नाइट्रोजन पर, इसलिए दूसरा भी उसी प्रोसेस से जुड़ा है जिसका मैकेनिज्म हम इससे पहले जो हमारे स्लाइड से उसमें हम देख चुके हैं। तो हमारे पास आया ये वाला प्रोडक्ट। तो अब हम देखते हैं कि ये इथॉक्साइड आयन है, बेस है, और ये एक्टिव मिथिलीन ग्रुप था, इसमें से एक हाइड्रोजन निकला और ये इनोलेट आयन बना और इसका अटैक हुआ इस कार्बनाइल कार्बन के ऊपर, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ। तो ये देखिए आप सिक्स मेंबर रिंग बनता है। अब सिक्स मेंबर रिंग बनने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें से इथॉक्साइड आयन ETO और H यहाँ से निकल गया है। उसका प्रोटोनेशन होने के बाद ETOH अल्टीमेटली हमको निकल जाता है और ये प्रोडक्ट हमें मिलता है जिसका कि हम हाइड्रोलिसिस अगर करें तो जो हमें रिएजेंट्स दिए हुए हैं जिससे कि वो COOH में कन्वर्ट होगा और हीट करने पर इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा जिससे कि हमें पिरिडोन प्रोडक्ट उत्पाद के रूप में हमें ये मिलेगा डेरिवेटिव। तो दिस वाज द करेक्ट आंसर, ये एक्सप्लेनेशन था उस आंसर का। इससे पहले कि नेक्स्ट रिएक्शन को करें याद कर लेते हैं एक बार और फेवर्स की रीअरेंजमेंट को। हमने देखा ही हुआ था कि अगर साइक्लिक अल्फा हेलोकीटोन्स हैं उसका रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है और वो सिक्स मेंबर्ड से फाइव मेंबर्ड रिंग में पहुंच जाता है, में कन्वर्ट हो जाता है, रीअरेंज हो जाता है, और इसका मैकेनिज्म ये हमने पहले समझ लिया था या याद कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो ये रिएक्शन हमें दिया हुआ है अल्फा हेलोकीटोन को देखते ही और बेस को देखते ही फेवर्स की रीअरेंजमेंट की याद आ जानी चाहिए और हमारे पास ये ऑप्शंस चार हैं जो दिए हुए हैं। देखते ही जो सिक्स मेंबर्ड है इसको कैंसिल किया और ये आंसर हमारा करेक्ट आंसर है और इस तक पहुँचना कोई मुश्किल काम नहीं था क्योंकि इसको हमने पहले भी किया हुआ है। तो फिर भी आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस के लिए इसको हम एक बार और देख लेते हैं। आप ये देखिए इथॉक्साइड आयन के साथ ये हाइड्रोजन जो एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन है उसका एब्स्ट्रैक्शन हुआ और फिर उसके बाद इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, ये साइक्लो प्रोपेनोन बना और उसके बाद फिर रिंग ओपनिंग हुई और इस तरह से आप देख सकते हैं क्योंकि OMe यहाँ यूज़ किया है तो MeOH यूज़ किया है उसकी वजह से यहाँ जो डेरिवेटिव मिलता है कार्बोक्सिलेट डेरिवेटिव हमको प्राप्त हुआ है इस प्रकार से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो। तो हमारे पास ये रिएक्शन दिया हुआ है और हमें चार ऑप्शंस इसमें से दिए हुए हैं और पूछा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सोडियम मिथॉक्साइड एक बेस दिया हुआ है हमको और एक अल्कोहल हमको दिया हुआ है। तो इनमें से पूछा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आंसर इसमें से ये दोनों है CNDO, ये याद कर लीजिए कि ये जो है कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कार्बन है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर ये खींचेगा। ये लेबल्ड कार्बन है और ये लेबल्ड कार्बन इस जो रिएक्टेंट था उसमें से जब हम प्रोडक्ट में आते हैं तो यहाँ पर होता है तो इस जगह पे होता है तो उसका मतलब यहाँ कुछ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन जैसा कुछ हुआ होगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम इस आंसर तक पहुँचे CNDO पर। लेट अस सी, मिथॉक्साइड आयन है और उसने यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया है और आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से हमें समझ में आया क्योंकि जो प्रोडक्ट हमें दिया हुआ था उसमें OME था तो यानी मिथॉक्साइड आयन का अटैक हुआ था। और अब हम आंसर पे एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। देखिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन हो गया था, ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींच लेता है जिसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है और न्यूक्लियोफिलिक अटैक आसानी से हो पाया है। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन बॉन्ड नया बना है यहाँ पर SN2 अटैक के द्वारा और ये बॉन्ड टूटने से ये O- बन गया है। उसके बाद जब आप देख सकते हैं कि
नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन आसानी से हुआ, क्योंकि जो प्रोडक्ट था प्रोडक्ट में बीआर नहीं है, तो उसका मतलब इसने नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन से इस बीआर को एज बीआर माइनस किक आउट कर दिया है। और आप देख सकते हैं किस तरह से थ्री मेंबर ड्रिंक दोबारा इपॉक्साइड रिंग बना, लेकिन इस बार जो इपॉक्साइड रिंग बना उस कार्बन पर बना जो कि लेबल्ड है। तो इस तरह से हमारा ये प्रोडक्ट बना है, और इसी वजह से SN2 और नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के दोनों जो आंसर्स हैं, ऑप्शंस हैं, दोज आर द करेक्ट ऑप्शंस, करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट्स फॉर फॉलोइंग रिएक्शंस इज, तो ये रिएजेंट्स हमको दिए हुए हैं ए बी सी एंड डी में, कुछ रिएजेंट्स दिए हुए हैं, दो दो तीन, दो या तीन। तो इसमें से पूछा है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए करेक्ट इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा। आंसर कैसे निकालें, देखिए जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो ओ एम ई और बेंजीन रिंग में कोई चेंज नहीं आया है, और हमारे पास यहाँ पर ऑर्थो की जगह मेटा पर सी एन है, यानी यहाँ पर कोई बेंजाइन बना होगा, तभी जाके यहाँ के ग्रुप की जगह सब्सटीट्यूशन जो है इस जगह पर हुआ है। हमें ढूंढना है कि सी एन है कि नहीं, हमें ढूंढना है कि बेंजाइन बनने के ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं कि नहीं। जो पहला ऑप्शन है उसमें देखिए बेंजाइन बनने के रिएजेंट्स दिए हुए हैं, और उसके बाद NH2 लिक्विड NH2 से दोबारा NH2, और उसके बाद NaNO2HCl यानी डायसोटाइजेशन होगा, और उसके बाद CuCN के साथ हीट के साथ ये रिएक्शन यहाँ पर CN आ जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो यहाँ ना आकर इस जगह पे ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। अब यहाँ देख सकते हैं HNO3H2SO4 यानी नाइट्रेशन किया है, रिडक्शन किया है, तो नाइट्रेशन और रिडक्शन से और उसके बाद डायसोटाइजेशन से, नाइट्रेशन अगर इसका करें तो ब्रोमो कहाँ जा रहा है इस वक्त फिलहाल, तो ये उससे नहीं होगा। यहाँ पर इन्होंने MG ईथर यानी कि ग्नार रिएजेंट के माध्यम से करने की कोशिश की है जो कि संभव नहीं है, यहाँ पर भी वो सेम ही चीज़ है। तो उसका मतलब ये तीनों ऑप्शंस ऐसे नहीं हैं कि CN को केवल यहाँ पर लाएं और बाकी पूरे जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंज नहीं आए। सो आंसर ए, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आइए देख लेते हैं ये किस तरह से हो रहा है। तो ये देखें सबसे पहले कि बेंजाइन फॉर्मेशन हुआ लिक्विड अमोनिया के साथ, आप देख सकते हैं कि ये NH2 जो है यहाँ पर उसका अटैक हो रहा है, NH3 बन के यहाँ से निकल रहा है, और आप Br- माइनस यहाँ से आउट हुआ, और कुल मिला के बेंजाइन फॉर्मेशन हुआ। बेंजाइन फॉर्मेशन पर फिर दोबारा NH2 माइनस का अटैक होता है और वो यहाँ बॉन्ड बनाता है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ एक माइनस आ जाता है जिससे H प्लस आके जुड़ जाता है। तो ये जो NH2 ग्रुप है जो बेंजीन रिंग में जुड़ गया, इसका फिर डायसोटाइजेशन किया और कॉपर CuCN के साथ एंड हीट के साथ जो डायजोनियम सॉल्ट है इसका जो डायजो ग्रुप है उसका रिप्लेसमेंट या उसका डिस्प्लेसमेंट होके या सब्स्टिट्यूशन होके CN ग्रुप इसमें जुड़ जाता है। सो दिस वाज द करेक्ट आंसर। सो आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल टू यू। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।